बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर जैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर आपको देनी है। इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है और वो उसमें मुबैना तौर पर हलाक हो गए हैं। वही नहीं सिर्फ बल्कि उनकी फैमिली के अफराद भी इसमें शामिल हैं। ये जो हेली क्रैश किया है, ये इंडिया के इलाके तमिलनाडु में क्रैश किया है। वो दिल्ली से सलूर की जानिब सफर कर रहे थे, जिस दौरान तमिलनाडु पे ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। वहां से जो आईनी शाहिदीन है, जो उनकी वीडियोस सामने आ रही हैं, कोशिश करूंगा इस व्लॉग में भी चलाऊं और आपको दिखाने की कोशिश करूं कि वहां पे इस टाइम क्या हालात हैं, क्या मनाजिर हैं। जो लोग बता रहे हैं कि वहां पे हेलीकॉप्टर से शोले उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, इस बदकिस्मत हेलीकॉप्टर में कौन कौन लोग सवार थे, उनकी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। 14 अफराद बताए जा रहे हैं टोटल, और उन 14 में जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, मैं उनके नाम बता देता हूं आपको कि जो इसमें सवार थे। जो लिस्ट हम तक मौसूल हुई है, उसमें बिपिन रावत हैं पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसके बाद मदहालिका रावत हैं, ये बताया जा रहा है गालिबन इनके मिसेज हैं। फिर ब्रिगेडियर लिदर आते हैं, ये इनके पर्सनल असिस्टेंट हैं। उसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, ये SAO2 CDS हैं, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये इनका अपना पर्सनल स्टाफ था जो कि इस सियारे में सफर कर रहा था, और ये तमाम वही लोग हैं जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ होते हैं और हर टाइम साथ मौजूद होते हैं, उनके मुख्तलिफ एक्टिविटीज में उनकी मावनत करते हैं। फिर NK गुरवारसक सिंह हैं, ये PSO हैं। फिर NK जतिंदर कुमार हैं, ये भी PSO हैं। और फिर विवेक कुमार का नाम बताया जा रहा है। फिर हैं बी साई तेजा, ये भी इनको भी PSO बताया जा रहा है। और फिर सेट पॉल हैं जो कि इस तैयारे में मौजूद थे, और अब ये इत्तलात हमारे तक आ रही हैं कि ये भी शुबा जाहिर किया जा रहा है कि इस तैयारे को फ्रीडम फाइटर्स की जानिब से हिट किया गया है, नीचे से, यानी इसे शूट किया गया है, और जिसके बायस ये तैयारा नीचे आया है। हम इस पर मजीद जो है वो इत्तलात गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, मैं जरूर इस पे पूरा व्लॉग करूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आप तक तमाम तहकीकात जो हम जो इंफॉर्मेशन के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे वो पहुंच सकें। तो ये तमाम लोग थे जो इस तैयारे में थे, हमने सोचा आपके साथ ये मालूमात शेयर कर दें कि कौन कौन लोग एक्चुअली इस तैयारे में सवार थे। 12 जो हैं कंफर्म हिलाकतें, 14 मुसाफिर इसमें सवार थे, जिसमें हेलीकॉप्टर का अमला भी मौजूद था। और बताया ये जा रहा है तकरीबन 11 अफराद की डेड बॉडीज को वहां से निकाल लिया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने इस मामले पर तहकीकात का हुक्म दे दिया है और इसकी फौरी तौर पर तहकीकात की जा रही है। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको पार्लियामेंट बुला लिया गया है और उनसे पार्लियामेंट में पूछा जाएगा कि आखिर ये वाकया, ये हादसा क्यों पेश आया, क्या ये किसी की साजिश थी या ये फिर तकनीकी वजूहात की वजह से जो है ये वाकया पेश आया है। अलबत्ता जो इब्तदाई मालूमात हम तक मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक जो है इस टाइम जब मैं ये वीलॉग बना रहा हूं तो डिफेंस मिनिस्टर उनके पार्लियामेंट में मौजूद हैं और वो खिताब करेंगे और पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेंगे, बिकॉज ये कोई छोटी हलाकत नहीं है। इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को पहली दफा ये ओहदा दिया गया था, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का बिपिन रावत को, 31 दिसंबर 2019 को वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से रिटायर हुए थे। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता क्या है, मैं आपको ये बता दूं, तीनों अफवाज जो हैं इंडिया के, यानी इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और जो उसकी बड़ी फौज है, उसका जो सरबरा होता है और उसको जो लीड कर रहा होता है उसको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं। 31 दिसंबर 2019 में जब चीफ ऑफ जनरल स्टाफ इंडिया के जो बड़ी फौज के सरबरा थे बिपिन रावत, वो जो अपने ओहदे से सुबुकदोश हुए तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनको बना दिया गया, और ये इंडिया की तारीख में पहली दफा ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना था। तो इस वजह से भी तहकीकात का जो दायरा कार है वो बहुत वसी होगा, क्योंकि इतने बड़े ओहदे पर फायज शख्स जो है वो अपनी फैमिली के हमरा एक हेली में सफर कर रहा है और उसका ऑल ऑफ द सडन जो है वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। मैं आपको इसमें बता दूं कि अभी तक की इतलात जो आई है, विलिंगटन हॉस्पिटल जो है मिलिट्री हॉस्पिटल है तमिलनाडु के करीब है, वहां पर इन तमाम लोगों की डेड बॉडीज को लेके जाया जा रहा है। और जो इतलात हमारे पास आ रही है कि बहुत मुश्किल है कोई कोई इसमें सर्वाइव करे, क्योंकि जो क्रैश हुआ है उसके बाद आग लग जाती है और बहुत मुश्किल होता है किसी का सर्वाइव करना, कोई मौजाती तौर पर बच जाए।
तो वो अलग बात है। और साथ हमें ये भी बताया जा रहा है कि ये 4-स्टार जनरल थे, और बिपिन रावत की जो ये डेड बॉडी है उसकी शनाख्त तो अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन मल्टीपल सोर्सेस ये कह रहे हैं कि वो इस वाकये में बचे नहीं हैं। साथ ही साथ जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी जानिब से ट्विटर पे ट्वीट कर दी गई है, और वो ट्वीट मैं आपको बता देता हूं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जो IAF इंडियन एयरफोर्स का MI-17 है, जहाज का जो हेलीकॉप्टर का नाम है, वो क्रैश हो गया है तमिलनाडु के इलाके में, और इब्तदाई जो मालूमात हैं उसके मुताबिक वो क्रैश उनके मुताबिक वो किसी तकनीकी वजूहात की वजह से हुआ है, लेकिन इसकी तहकीकात की जाएंगी। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि इस हवाले से इंडियन जो एम्बुलेंसेज हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो वहां पर हो रहा है, और कोशिश ये कर रहे हैं कि वहां से लोगों को निकाला जा सके। ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है, और इसका लिंक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से भी होगा, क्योंकि इतने बड़े ओहदे पर पहली दफा ये तैनाती हुई है। इतने बड़े ओहदे की तैनाती के हवाले से इस पे कंसर्न्स भी पाए जाते थे, लेकिन बहरहाल इतनी बड़ी हलाकत का होना और भारत में होना ये किसी शुबे से कम नहीं है। हो भी सकता है ये कोई साजिश का हिस्सा हो भी सकता है इसके पीछे बकायदा तौर पर ये प्लान्ड तौर पर ये क्रैश कराया गया हो, क्योंकि इसकी मिसालें हमें माजी में मिलती हैं कि बहुत सारे ऐसे वाकयात रोनमा किए जाते हैं, रोनमा हो जाते हैं, जिनका ताने बाने जो हैं साजिश से मिलते हों। तो नाजीन, ये इब्तदाई मालूमात थी, हमने सोचा कि आप तक शेयर कर दें। वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन इस टाइम जारी है, और ऐनी शाहिदीन ये कहते हैं कि किसी के बचने की जो गुंजाइश है वो मौजूद नहीं है। तमाम चीजें वहां पे उनको आग लग चुकी है। बताया ये जा रहा है कि ये इलाका जंगल के करीब था, आबादी पे नहीं गिरा ये, इस वजह से मजीद हलाकतें और किसी की नहीं हुई है। अलबत्ता इस हवाले से जो इंडियन एयरफोर्स है वो मामले की तहकीकात जरूर करेगी। ये अपडेट्स थी, ये न्यूज़ थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। जैसे ही मजीद अपडेट्स हमारे पास आती हैं हम आपको जरूर बताएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल कमर जैदी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।